ताकि मैंने कहा थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं और थोड़ा इन्वायरमेंट भी चेंज हो। सुबह सुबह जैसे सुस्ती हो जाती थी घर में, बस हम पड़े रहे हैं, सो रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। सो आज खैर फर्स्ट डे था माशाल्लाह से, बहुत अच्छा गुजरा। चलें अभी मैं घर पहुंचती हूँ, फिर आप लोगों से हाल हवाल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं अभी शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, जो वेलकम हो गया आज के एक नए व्लॉग के साथ। आज सुबह की रूटीन ज़रा टफ थी, आज सुबह बच्चों को भेजा, उसके बाद फिर मैंने एक घंटा रेस्ट किया, फिर मैं उठी हूँ, बस एक कप चाय पी, उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन की। कल मैं गई थी विजिट किया, आज फिर मैंने वो ज्वाइन किया, आज गई हूँ थोड़ी सी क्लास ली, और उसके बाद जब वापस आई हूँ तो फिर फ्रेश वगैरह हो के तो अभी मैंने कहा खाना बनाना था, खाना बना रही हूँ। आपको पता है साथ साथ वो भी तो करना ही है, तो आज बना रही हूँ मटन शोरबा। और काफ़ी दिन से तो दाल चावल ये वो तो आप लोगों को पता है, मटन तो मैं एक वीक में एक या दो दफ़ा बनाती हूँ, बस वही अभी बना, बस अभी इसमें सारा मसाला है जी। अभी मेरा सालन तो बिल्कुल रेडी होने वाला है, बस इसको भून के ना एक दफ़ा फिर थोड़ा सा प्रेशर लगा दूँगी, बिल्कुल सेट हो जाएगा। मुझे लगी ऐसा भूख थोड़े से वाइस राइस करे थे, वो मैंने रख दिया ओवन में, मैंने कहा जैसे वो गर्म होते हैं उसमें थोड़ा सा शोरबा डाल के ना मैं तो खा ही लेती हूँ, क्योंकि आज नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, तो अभी आज पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। ये जी देखिए मैंने सालन रेडी करके ना राइस लिए और उसके ऊपर थोड़ा सा डाल के, मुझे तो लग रही सख्त भूख, पहले मैं ये खा लेती हूँ ताकि थोड़ा सा सुकून मिले। के कबाब बच्चों के ख़त्म हो गए थे तो मैंने कहा वो बना देती हूँ, अभी इनको छील रही हूँ तो जैसे जैसे बनते हैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैंने कहा साथ में आज आलू के पराठे भी फिर इसी से बन जाएंगे ना, क्योंकि ताज़ा ताज़ा जब मसाला बनता है फिर तो मैं फ्रीज करके रखती हूँ, तो साथ में पराठे भी बन जाएंगे। आज क्या किसने बनाए? अली गोहर ने बनाए आलू के पराठे हमने, मैंने जो अल्लाह अकबर वो जो आलू का मसाला बनाया कबाब बन के मैंने फ्रीज कर दिए, और ये साथ में बनाए आज हम लोगों ने आलू के पराठे, और ये अली गोहर आलू के पराठे बना रहे हैं। लोगों को खाना है तो कमेंट में हम लोगों को बताना, हाँ आप लोगों को खाना है तो हमें कमेंट में बताना। और ये जी मैंने कबाब बना के रेडी करके रख दिए फ्रीजर में। ये जी बनाई चटनी, मैं इसके साथ खा रही हूँ, और सुभान जो है ना केचप के साथ खा रहे हैं। सुभान कैसा बनाए? टेस्टी। यकीन जाने फ्रेंड्स इतने टेस्टी बने हुए हैं ना कि बहुत ही बहुत मजा आता है। कभी कभी आप लोग भी ना इस तरह बना के खाया जा जिस बहन भाई मेरा खाना है आ जाए आज का। ये जी हम ना सुभान गिर गए, इसके चोट अभी मैं इसको टांग हॉस्पिटल, अभी इसको टांगते लगेंगे, अचानक से गिर गया है। हमदान भी मेरे साथ है, जल्दी जल्दी मैं भाग के ले आई। मेडिसिन इसको ले लें, अभी टांगते लगेंगे। और ये है हम लोग का प्रोग्राम, जब तक कैंसिल हो गया